आईपीएल 2024 अपने रिसीविंग एंड पर आ गया है और कहीं ना कहीं जो चार मैचेस खेले जाने वाले हैं बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग होंगे। अब वो चार मैचेस इंटरटेनिंग से अलग हटके ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टाइटल की भिड़ंत है भाई। आईपीएल 2024 टाइटल कौन उठाएगा, सबसे पहले बताते हैं इस वीडियो में आपको एलिमिनेटर और क्वालिफायर टू के बारे में। वेन्यूज पर करेंगे डिस्कशन, साथ ही बात करेंगे कि भाई अगर बारिश की संभावनाएं हुई तो रिजर्व डे रूल का क्या सिस्टम है भाई इस साल। तो भाई सबसे पहले दो टीम्स का मैच तो है लेकिन कहां पर है, अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम क्वालिफायर वन और एलिमिनेटर होस्ट करने वाला है। लेकिन आपने लास्ट मैच अगर देखा हो ना, गुजरात टाइटंस का होम मैच, तो ये बारिश की वजह से वॉश ऑफ हो गया था एंड काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी हुई थी वहां पर जीटी की टीम को। इसके अलावा लास्ट के कुछ मैचेस में वैसे भी बारिश ने बहुत खलल डाली हुई है, तो संभावना इस मैच पे भी हम बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिमिनेटर टीम का। तो भाई एलिमिनेटर में ना बहुत सारी संभावनाएं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाए गए थे। सीएसके पहुंचेगी, डीसी पहुंचेगी, लखनऊ होगी, लेकिन तीनों टीम नहीं पहुंची। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने हिस्ट्री स्क्रिप्ट कर दी, आईपीएल की सबसे जबरदस्त कमबैक की स्टोरी लिख दी भाई। तो यहां पर अब देखना होगा कि जो कमबैक स्क्रिप्ट किया है ना, 6 मैच लगातार विक्ट्री, उसको आगे बढ़ाएंगे, 7वां मैच जीतेंगे। बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी पैदा करने वाली है उनके सामने राजस्थान रॉयल्स की टीम। वेन्यू सेम है, अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम, और बारिश की भी हल्की फुल्की संभावनाओं को बिल्कुल दरकिनार नहीं करेंगे। लेकिन इन दोनों टीमों को अगर देखा जाए ना, तो लास्ट के कुछ मैचेस में आपने देखा होगा किस तरह से बैटिंग करी है, किस तरह से बॉलिंग दिखाई है, किस तरह से ओवरऑल जज्बा दिखाया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने। वेयर एज राजस्थान रॉयल्स की टीम स्टार्ट जैसी रही थी, हम कह रहे थे ये तो अनडिस्प्यूटेबल टीम है, लेकिन भाई दिक्कत कर दी इनके बॉलर्स एंड बैटर्स दोनों ने। अब लास्ट के कुछ मैचेस से लगातार कंसेक्यूटिव मैचेस हारे थे, तो वहां पर दिक्कत यही है कि किस मोटिवेशन के साथ ये जाएंगे एलिमिनेटर वन में। वन क्या, एलिमिनेटर एक ही है, तो उसमें जाएंगे आरसीबी के अगेंस्ट जो कि फॉर्म में चल रही है। बात करें अगर प्लेयर्स की, तो जॉस बटलर मिस कर रहे हैं, इंग्लैंड वापस चले गए हैं, एक वो भी चिंता का विषय है। यशस्वी जायसवाल की फॉर्म कंसिस्टेंसी लैक कर रही है, वो भी चिंता का विषय है। भाई बैटिंग तो आप कह सकते हो बहुत ज्यादा निर्भर करने वाली इनकी टीम के कैप्टन संजू सैमसन एंड रियान पराग के ऊपर, लेकिन यशस्वी जायसवाल किसी भी दिन होने पर कमाल दिखा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा टॉम कॉलर हैं जिनके ऊपर निगाहें होने वाली हैं, क्या वो परफेक्टली जॉस बटलर के शूज फिल कर पाएंगे या नहीं, ये इस मैच में देखने वाली बात होगी। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात की जाए, तो विराट कोहली फाफ डुप्लेसी तो रन बना ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन रजत पाटीदार की बैटिंग ना बहुत आकर्षित करने वाली रही है। 15-20 बॉल खेल रहे हैं, 50 रन बना रहे हैं, टीम को एक रिस्पेक्टेड टोटल तक पहुंचाते हैं और जीत भी दिला देते हैं। एक एक्स फैक्टर बन के आए हैं स्वप्निल सिंह, जिनकी मैं वीडियो भी अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा। क्यों, जैसे सीएसके की तरफ से कर्ण शर्मा लकी चार्म थे ना, वैसे स्वप्निल सिंह जैसे ही टीम में आए हैं, 6 मैचेस लास्ट के खेले और 6 के 6 टीम जीती है। तो कहीं ना कहीं स्वप्निल सिंह एक मोटिवेशनल स्टोरी, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर तो आती है, लेकिन ये स्टोरी ना जब तक मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक बात नहीं बनने वाली है। बॉलिंग दोनों टीम्स की अच्छी है, लेकिन वहां पर राजस्थान रॉयल्स मेरे ख्याल से एक अपर एज लेके बैठी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ऊपर। और वेन्यू जैसे कि मैंने कहा सेम है, तो अब बात कर लेते हैं वेन्यू की। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम यानी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम बॉलर्स के लिए जाना जाता है, बैटिंग अच्छी कह सकते हो, लेकिन बॉलर्स ओवर पावर कर देते हैं। यहां पर 170-175 का एवरेज स्कोर है, मान के चल लो यहां पर गेंदबाजों का हल्ला बोल होने वाला है। अब हल्ला कौन बोलेगा, कौन सी टीम बोलेगी, क्या राजस्थान बोलेगी, लेकिन रॉयल्स की जंग है और पहले मैच में कोलकाता नाइट्स की जंग है और दूसरा उनके सामने सनराइजर्स है। भाई नाइट और सन कैसा कॉम्बिनेशन बन के आएगा इस मैच में, देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं मेन जो एक पर्सपेक्टिव था ये वीडियो में आने का, वो यही था कि रिजर्व डे। भाई लास्ट ईयर फाइनल आपने देख लिया, बहुत एक तो ऐसे ही चल रही थी थला धोनी के चक्कर में जद्दोजहद कि भाई सीएसके जीत जाए, ये देखो सीएसके की ही टी शर्ट भी है, जीत जाए, तो सीएसके तो जीत गए थे, लेकिन बारिश ने तो दिक्कत पैदा की थी उस साल भी, तो इस साल भी पॉसिबिलिटीज हाई हैं रेन की। अब वहां पर पॉसिबिलिटीज हाई हैं, तो पिछले साल तक तो ऐसा था कि सिर्फ फाइनल में रिजर्व डे रूल था, लेकिन इस साल थोड़े से चेंजेस आए हैं। पहला चेंज ये है कि आईपीएल 2024 के सारे मैचेस में 2 घंटे 120 मिनट्स का बफर टाइम था जिसमें आप मैच कंक्लूड करा सकते थे अगर बारिश की संभावनाएं बनती हैं तो।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बारिश होती है किसी भी मैच में तो उस मैच को 2 घंटा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जनरली 11:30 के आसपास तक का टाइम होता है जो कट ऑफ टाइम आप मान के चलो जो मैचेस खत्म हो जाते हैं इसमें, लेकिन अगर बारिश होती है तो उसको 1:30 बजे तक का कर दिया जाएगा। 1:30 आप 2 ही मान लो यार, फाइनल और प्लेऑफ्स की जंग है तो 2 घंटा एक्सटेंडेड आईपीएल सारे मैचेस में था, लेकिन प्लेऑफ के मैचेस जो 4 होने वाले हैं उसमें कॉम्बिनेशन ये बैठ रहा है कि 2 घंटे एक्सटेंडेड अगर बारिश होती है मैच डिले होता है वो तो होने ही वाला है, लेकिन साथ में रिजर्व डे रूल भी रखा गया है जिससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है जो टीम सेकेंड नंबर पर है अपने प्रॉपर टीम पे जो रैंक नंबर 1 टीम के ऊपर है। मान के चलो पहला मैच है केकेआर वर्सेस एसआरएच, लास्ट ईयर तक ऐसा था कि जिस अगर बारिश होती है प्लेऑफ के मैचेस में फाइनल को छोड़कर तो वहां पर आकर जिस टीम के पॉइंट्स टेबल में पॉइंट्स ज्यादा हैं जीत ज्यादा हैं उस टीम को फाइनल में जगह बनाने का मौका मिल जाएगा, ये रूल था। तो भाई दिक्कत परेशानी तो होनी थी क्योंकि इतने मैचेस खेले आपने, इतने दम लगाया, प्लेऑफ में पहुंचे और वहां पर आकर बारिश ने आपका गेम बिगाड़ दिया। लेकिन इस साल के आईपीएल में प्लेऑफ में रिजर्व डे रूल है, मान लीजिए अगर क्वालिफायर 1 क्वालिफायर 2 और एलिमिनेटर वॉश ऑफ होता भी है तो उनके लिए एक रिजर्व डे है, लेकिन रिजर्व डे लास्ट ईयर की तरह नहीं है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा जो फाइनल था उसमें पहले बैटिंग करी थी गुजरात ने और फिर जब बारिश हो गई थी उसका नेक्स्ट डे सीएसके ने बैटिंग कंटिन्यू करी थी, मतलब मैच वहीं से कंटिन्यू हुआ था। इस साल ऐसा नहीं है, इस साल अगर बारिश होती है और पहली टीम ने मैच डे पर बैटिंग कर ली है, सेकेंड डे मैच जाता है बारिश की वजह से, तो वो मैच वापस से शुरू होगा, वो मैच वहां से कंटिन्यू नहीं होगा। तो भाई अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ ना कि जो सेकंड बैटिंग साइड होती थी ना उसको दिक्कत हो जाती थी बैटिंग करने में कि पहली चीज तो मैदान गीला होगा, अगर किसी ने शॉट मारा तो वो बाउंड्री तक ही नहीं पहुंचेगी, बॉलर्स को दिक्कत ही आएगी कि ग्रिपिंग में दिक्कत होगी, तो वैसा कुछ है ही नहीं। अगर नेक्स्ट डे जाता है मैच रिजर्व डे में जाता है तो वहां से मैच वापस से बॉल 1 से शुरू होगा, तो भाई दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, यही है रूल सिंपल सा। अब फाइनल में भी यही है, प्लेऑफ के मैचेस में भी यही है, बाकी आप बता दो कौन सी टीम प्लेऑफ पे क्वालिफाई करेगी। प्लेऑफ में तो खैर क्वालिफाई कर ही चुकी है, लेकिन कौन सी टीम सबसे पहले तो फाइनल में जगह बनाएगी क्वालिफायर 1 खेल के, इसके अलावा एलिमिनेटर 2 के आरसीबी जीत के अपनी तकदीर के दरवाजे खोलेगी, क्वालिफायर 2 में प्लेस होगी, और क्वालिफायर 2 भी किसका हो रहा है ये भी बता दो, साथ ही ये भी बता देना इस वीडियो में कि आईपीएल 2024 की ट्रॉफी कौन सी।